परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरीतुष्टिः प्रभाद्रितिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्येव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहनि वायुगगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः पवित्रीकरणम् सभी परिजन बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से ढकें, मंत्र पूरित जल संपूर्ण शरीर पर छिड़क लें, भावना करें कि दैवी शक्तियां पवित्रता की वर्षा कर रही हैं, हम बाहर और भीतर से पवित्र हो रहे हैं। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम् स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर तथा मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए तीन बार आचमन किया जाता है। प्रत्येक मंत्र के स्वाहा शब्द के साथ सभी याजक एक एक आचमनी जल का पान करें। ध्यान रहे आचमनी मुख से न लगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा शिखा वंदनम् शिखा देव संस्कृत की ध्वजा है। हम देव संस्कृति का अनुगमन करने वाले साधक शरीर के सर्वोच्च भाग सिर पर इसे धारण करते हैं। सभी परिजन बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला कर शिखा मूल का स्पर्श करें। ओम चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायामः सभी याजक कमर सीधी करके बैठें,
दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें, थोड़ी देर रोकें और बाहर छोड़ दें। प्राणायाम हमारे भीतर शरीर बल, मनोबल तथा आत्म बल की वृद्धि करे। ऐसी भावना के साथ सभी याजक मंत्र के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः हम दिव्य मंत्रों के माध्यम से अपने अंग उपांगों में दिव्य चेतना की स्थापना करते हैं। सभी परिजन बाएं हाथ की हथेली में जल लें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला कर निर्देशित अंगों को क्रमशः बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहवोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पृथ्वी पूजनम्। पृथ्वी माँ विशाल है, क्षमाशील है, अन्न जल प्रदान करने वाली है। धरती माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें विशालता, सहनशीलता तथा उदारता जैसे दिव्य संस्कार प्रदान करें। इसी भावना के साथ एक आचमनी जल माता पृथ्वी पर समर्पित कर सभी याजक दोनों हाथों से धरती माता का स्पर्श कर प्रणाम करें। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। चंदन धारणम्। मस्तिष्क को शांत, शीतल एवं सुगंधित रखने की आवश्यकता का स्मरण कराने के लिए चंदन धारण किया जाता है। सभी परिजन अनामिका अंगुली में रोली लेकर परस्पर सम्मान की भावना से तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम् पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलश पूजनम्। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, समस्त देव शक्तियां इसी में समाहित हैं। एक परिजन गंधाक्षत पुष्पादि से कलश देवता का पूजन करें, शेष सभी परिजन अपनी अपनी भावनाएं समर्पित करें। ॐ तत्त्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतां माध्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम्। दीपक की लौ की तरह
ऊर्ध्वगामी व्यक्तित्व एवं स्वयं तप कर दूसरों को प्रकाश देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आए, इस भाव के साथ एक परजन गंधाक्षत पुष्पादि से उस महाचेतना परम प्रकाश का पूजन दीपक के माध्यम से करें। शेष सभी परिजन प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करते हुए उनके प्रकाश को धारण करने का भाव करें। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आइए समस्त देव शक्तियों का भाव भरा आवाहन करें। सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं, जो मानव मात्र को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ हैं। एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंत्र के साथ गुरु सत्ता का पूजन करें। शेष सभी परिजन गुरु सत्ता का आवाहन नमन वंदन करें। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च य। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तत्पश्चात वेद माता देव माता विश्व माता सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन पूजन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु।
रक्षा विधानम। दशों दिशाओं में विघ्नकारी शक्तियां हो सकती हैं, उन आसुरी शक्तियों से रक्षा हेतु सभी दिशाओं में मंत्र पूरित अक्षत डाले जाते हैं। एक परिजन बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाएं, जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी दिशा की ओर अक्षत छोड़ें। भावना करें कि हमारा यज्ञ विघ्नकारी शक्तियों से सुरक्षित हो रहा है। अक्षत छोड़ना पूर्व दिशा की ओर से प्रारंभ करें। घड़ी की सुई के अनुसार निर्दिष्ट दिशाओं में यज्ञ कुंड के चारों ओर अक्षत छोड़ते चलें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यथोनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्वेशो ममाद्रिदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम्। यज्ञाग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर यज्ञ कुंड में उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। एक परिजन मंत्र के साथ कुंड में अग्नि की स्थापना करें तथा गंधाक्षत पुष्प आदि से पूजन करें। शेष सभी परिजन भावना पूर्वक प्रणाम करें। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेवय जनि पृष्ठे ग्लिमन्नादमन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री मंत्राहुतिः। सभी परिजन कमर सीधी करके बैठें, मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ के सहारे थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लें। सबके लिए सद्बुद्धि सद्विवेक की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र बोलें। स्वाहा के साथ इदम नमम अर्थात तेरा तुझको अर्पण का भाव करते हुए आहुति समर्पित करें। स्वाहा के पश्चात इदम गायत्री इदम नमम का उच्चारण करते चलें। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः इदं गायत्र्यै इदं नामम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः विश्व कल्याण तथा सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः स्विष्टकृत होमः यह प्रायश्चित आहुति कहलाती है। आहुतियों में जो कुछ भूल रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए नैवेद्य समर्पित किया जाता है। एक प्रतिनिधि शुचि पात्र में मिष्ठान भरकर अपने स्थान पर बैठे बैठे ही यज्ञ भगवान को समर्पित करें। शेष सभी परिजन भावना करें कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में मधुरता का समावेश हो रहा है। ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहूते सर्वप्रायश्चित्ताहूतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम पूर्णाहुतिः। मनुष्य की गरिमा इस बात में है कि जो श्रेष्ठ संकल्प ले उसे पूर्णता तक पहुँचाए। पूर्णाहुति के लिए सभी परिजन खड़े हो जाएं। एक परिजन सुरुचि पात्र में सुपारी अथवा नारियल का गोला लें। शेष सभी परिजन थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लेकर स्वाहा के साथ अपनी पूर्णाहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करें। सभी परिजन भावना करें कि हमारा जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्मेव विक्रीणावः इषमूर्जघ्वंशतक्रतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा वसोर्धारा। कार्य के प्रारंभ में जितना उत्साह एवं त्याग हो अंत में उससे भी अधिक बना रहे।
सत्कृत्यों में अविरल स्नेह की धार कभी टूटने न पाए। इस भावना के साथ एक प्रतिनिधि श्रुति पात्र में घी भर लें। धीरे धीरे धार बनाते हुए मंत्रोच्चार के साथ समर्पित करें। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम्, वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्, देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः स्वाहा। नीराजनम् आरती। एक परिजन आरती में रखे दीपक को प्रज्वलित कर 3 बार जल घुमा लें। आरती उतारने का तात्पर्य है यज्ञ भगवान का सम्मान, परमार्थ परायणता का ज्ञान प्रकाश दसों दिशाओं में फैले। इसी भावना के साथ देव प्रतिमाओं तथा यज्ञ भगवान की आरती उतारें। आरती के पश्चात पुनः 3 बार जल घुमाकर सभी परिजनों तक आरती पहुंचा दें। सभी परिजन हाथ जोड़कर भावना पूर्वक आरती संपन्न करें। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। घृतावघ्राणम्। प्रणीता पात्र में टपकाया हुआ घृत सभी परिजन दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग में लें। दोनों हथेलियों पर मल कर यज्ञाग्नि में तपाएं। मंत्र के पश्चात गायत्री महामंत्र बोलते हुए सूंघें व मुखमंडल पर लगाएं। भावना करें यज्ञी ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं। ओम तनुपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे देहि। ओम अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण। ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु। ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ओम मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभकामना। प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन दोनों हाथों को फैलाकर यज्ञ भगवान से शुभ कामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीषा। गो ब्रह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेजयायुष्यमारोग्यं
देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। विसर्जनम। आवाहित देव शक्तियों को भाव भरी विदाई देते हुए एक परिजन पूजा वेदी पर पुष्प वर्षा करें, एक परिजन यज्ञ कुंड में अक्षत की वर्षा करें, शेष सभी परिजन विसर्जन के साथ हाथ जोड़कर सभी देवताओं से प्रार्थना करें कि ऐसा ही देव अनुग्रह हमें सतत मिलता रहे। ॐ गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन। अन्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थम् पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।